बस यह एक लाइन बोलते रहो, वो आपके पीछे भागेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं कि पार्टनर के पीछे हम सिर्फ भाग रहे हैं, वो हमारे आगे पीछे नहीं घूमता, ना ही वो हमारी फिक्र करता है, तब आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए और एक लाइन इसमें मैं बताऊँगा वो बोल लेनी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा और इसके असर आप खुद बोल के देख सकते हैं। आपका पार्टनर आपको सब कुछ देता है, आप भी उनको सब कुछ देते हो। आप दोनों को पता है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आप उनके आगे पीछे ज़्यादा घूमते हो, वो उतने आगे पीछे नहीं घूमते। तो ये एक सोच का फर्क है, ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो। बाप कहेंगे इसका क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब भी आपके साथ झगड़ा हो या कुछ वो बोल देते हैं, तब तुरंत कहें आपने जानबूझ के तो किया नहीं है, गलती से हो गया होगा। ये लाइन बोलकर उनको माफ़ी देना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, तब जबकि रिश्ते में आपको एक दूसरे के साथ रहना है। आपने ये तय किया, ये बोलकर कह दिया उनको कि आप चाहे कैसे भी गलती करो, लेकिन मुझे आपकी चिंता है, आपके साथ रिश्ता मुझे बनाए रखना है, आपके साथ अच्छे से रहना है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आप ये लाइन के साथ कुछ और भी जोड़ सकते हैं कि आपने जानबूझ के नहीं किया, वैसे आप अच्छे हैं, कभी कभी अच्छे इंसानों से भी गलती हो जाती है, ऐसी भी लाइन जोड़ कर आप उनको और ज़्यादा अच्छी चीज़ कह सकते हैं। इसका सीधा साइकोलॉजी पे असर होता है। यहाँ पे उन्होंने गलती की हुई है, आप माफ़ी भी दे रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर उनके दिमाग में आपके लिए इज्जत और प्यार पैदा करती हैं और वो उतना प्यार आपको बदले में देंगे कि उसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। तो ये एक लाइन बोलना, आप अपने रिश्ते के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, लेकिन ये बोलना कि आप ये जो चीज़ आपने की वो जानबूझ के नहीं की। गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन माफ़ी देने वाला कोई नहीं होता। अगर आप माफ़ करते रहते तो आपका रिश्ता एकदम मजबूत बनेगा। तो ये एक लाइन आपको बोलनी चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लाइन कैसी लगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जिए बी एफ रांझा मजमू लैला जो भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।